कैसे हैं आप सब। आज मैं घर में बनाने जा रही हूँ हेयर डाई। जी हाँ, हेयर कलर, हेयर डाई आज हम घर में बनाएंगे। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए जो हेयर डाई होती है, आज हम उसको घर पे बनाएंगे। आजकल बाल सफ़ेद होना एक आम बात हो गई है। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनके भी बाल वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। असल में बाल वाइट हो जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते। तो हम क्या करते हैं, हेयर कलर यूज़ करने लगते हैं, केमिकल अपने बालों में लगाने लगते हैं। उससे हमारे बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं और बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो हम उस केमिकल को छोड़ के घर में हर्बल हेयर डाई बनाएंगे, जो हमारे बालों को नरिशमेंट भी देगा, मजबूत भी करेगा और हमारे बालों को काला भी करेगा। जिनके बाल काले हैं वो भी इस डाई को यूज़ कर सकते हैं। बाल सफ़ेद हो गए हैं वो भी, उन्हें तो ये डाई यूज़ करनी ही है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बाल जो सफ़ेद हैं वो काले होने लगे हैं। ये बहुत जल्दी असर करेगा, बहुत जल्दी इसका इफ़ेक्ट आपके बालों में दिखाई देगा। आप इस हेयर डाई को घर पे बनाइए, यूज़ करिए और अपने बालों को केमिकल फ्री डाई यूज़ करिए, अपने बालों को केमिकल फ्री रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस डाई को घर पे कैसे बना सकते हैं, जो हमारे बालों को जड़ से मजबूत भी करे और काला भी करे। तो ऐसी डाई हम घर पे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, क्योंकि हम हेयर डाई बना रहे हैं तो लोहे की कढ़ाई में मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से, जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें मुझे डालना है 2 चम्मच चाय की पत्ती, नॉर्मल चाय की पत्ती जो घर में यूज़ करते हैं वही डालना है इसमें। और इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे ताकि इसका कलर आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आप मार्केट में भी मिल जाएगा आराम से, और आप चाहो तो ऑनलाइन स्टोर से भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट में भी आपको इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। और गैस का फ्लेम हमें एकदम मीडियम रखना है और इसको हमें खूब अच्छी तरीके से चलाना है। आंवला में विटामिन सी आयरन होता है और आपके बालों को ये जड़ से मजबूत भी करता है, काला भी करता है। और चाय की पत्ती अभी हमने इसलिए यूज़ करी है क्योंकि वो भी आपके बालों को कलर देने में सहायता करती है। अब हमें इसको खूब अच्छे तरीके से चलाते रहना है जब तक ये पानी बिल्कुल कम ना हो जाए, आधा ना हो जाए, तब तक हमें इसको चलाते रहना है। और अब हम इसमें डाल देंगे 4 लौंग। अब 4 से 5 लौंग डाल दीजिए इसमें। दोस्तों, लौंग मैंने इसलिए डाली, लौंग की तासीर गर्म होती है और वो भी आपके बालों को कलर देने में सहायता करती है, इसलिए लौंग हमने डाला है। इसमें मैं 2 चम्मच भृंगराज पाउडर भी डाल रही हूँ। भृंगराज पाउडर भी आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, आयुर्वेदिक स्टोर में भी मिल जाता है और ऑनलाइन वेबसाइट पे भी आपको आराम से मिल जाएगा। भृंगराज पाउडर भी आपके बालों को
नेचुरली ब्लैक भी करता है और बहुत मजबूत कर देता है, बालों का झड़ना रोक देता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये नेचुरल डाई है, आपके बालों को जड़ से मजबूत भी करेगी और आपके बालों को काला भी करेगी। जो असमय सफ़ेद हो जाते हैं बाल, उनको बहुत आराम से काला भी कर देगी। आप हफ्ते में 2 बार इस डाई को यूज़ करिए, फिर धीरे धीरे आप हफ्ते में 1 बार 15 दिन में यूज़ करिए, आपके बाल बहुत काले हो जाएंगे। आपको बाहर की फिर डाई यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस डाई को रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो मार्केट वाली डाई बिल्कुल यूज़ मत करिए, क्योंकि वो केमिकल होता है, वो बिल्कुल यूज़ मत करिए। आपको इसी डाई से बहुत फ़र्क नज़र आएगा। इसमें उबाल आ रहा है, इसे हमें तब तक चलाते रहना है, उबालते रहना है जब तक कि ये पानी आधा ना हो जाए। के बाल काले काले हैं, वाइट नहीं हुए हैं, वो भी इस डाई को यूज़ कर सकते हैं। आपके बाल वाइट हों तो भी यूज़ करिए, आपके बाल काले हैं तो भी यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा देखिए गाढ़ा पेस्ट बनने लग गया है। अब हमको इतना ही गाढ़ा पेस्ट चाहिए। अब हम अपनी फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए एक गाढ़ा सा पेस्ट आ गया है। अब हमें इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसको छान लेंगे, छन्नी से छान के इसका पानी निकाल लेंगे। अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे, इस पूरे पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके आप आराम से छन्नी से छान लो। काला और गाढ़ा अच्छा पेस्ट निकल के आ गया है। अब हमें इसमें मिलाना है गुड़हल के फूल का पाउडर। गुड़हल के फूल का पाउडर ये भी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अब हम इसको 2 चम्मच डालेंगे। दो चम्मच इसमें मिला देंगे। पेस्ट को हम वापस इसी कढ़ाई में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसी कढ़ाई में रखना है पूरी रात के लिए। हमें वापस उस मिक्सचर को इसी कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि अब हमें पूरी रात इसको ऐसे ही ढक के रखना है। अब ये बहुत अच्छी तरीके से काला कलर आ गया है। अब आप इसको रात भर ढक के रख दोगे तो ये और अच्छा डार्क कलर हो जाएगा, और मॉर्निंग में अपने साफ धुले बालों में इस डाई को अपने बालों में अप्लाई कर, बाल काले हो जाए होने लगेंगे। तो आपको मेरा ये होममेड डाई पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।